एक मुट्ठी गेहूं की विचारधारा के साथ खड़े हुए महिला संगठन ने मनाया छठवां स्थापना दिवस। निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक मुट्ठी गेहूं की विचारधारा के साथ करीब 6 साल पहले महिला संगठन खड़ा करने वाली संगठन की संयोजिका मोनिका जैन के नेतृत्व में संगठन की महिलाओं ने संस्था के स्थापना दिवस पर बुधवार सुबह सिंगपोल गेट स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर संगठन को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। महिलाओं ने संस्था के छठवें स्थापना दिवस तक 105 कन्यादान पूरे करने पर मंदिर में दीप दान कर प्रसादी का वितरण किया गया। तत्पश्चात क्षेत्र के गांव खोके श्री मनशाराम आदर्श विद्या मंदिर में जरूरतमंद नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार स्वरूप स्कूल किट भेंट करने के साथ बच्चों को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें स्वेटर पहनाए। वहीं संस्था ने जरूरतमंद बुजुर्गों के घरों पर जाकर उन्हें कंबल भेंट किए। इस अवसर पर हुकम यादव, मीरा जैन, अशोक सेठी, अंजलि गांधी, शशि गोयल, मोहिनी गोयल, ज्योति बंसल, ब्रजेश ठाकुर, शशि देवी, आशा सेठी, मीनाक्षी शर्मा, अंकिता जैन, साक्षी जैन, मनीषा बजाज, ममता वर्मा, तुलसी कोहली, अंजना कोहली आदि संगठन की महिलाएं मौजूद रहीं। संस्था की संयोजिका मोनिका जैन ने बताया कि वर्ष 2016 में एक विधवा को अपनी बेटी की शादी में सहायता के लिए भटकता देख कुछ सदस्यों के साथ मिलकर उसकी सहायता कर संस्था की स्थापना की गई थी। इन 6 सालों में संस्था की ओर से 150 बेटियों की शादी में कन्यादान में सहायता की जा चुकी है। रिपोर्टर अमरदीप सैन, डीक, भरतपुर। छठवें स्थापना दिवस पर प्रिय सखी संस्था गणेश जी मंदिर आया है। गणेश जी मंदिर पर प्रिय सखी संस्था के द्वारा दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। गणेश जी महाराज पर भोजन प्रसादी का वितरण कर माँ धौलागढ़ पर चुंदरी उड़ाई गई। इसके साथ ही प्रिय सखी संस्था के द्वारा खो स्कूल में जाकर विद्यार्थियों को, जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर और बैग, शिक्षा की किट बांटी गई, जिससे बच्चे पढ़ सके, लिख सके और आगे बढ़ सके। प्रिय सखी संस्था की पूरी कोशिश होती है कि वह हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जरूरतमंद है, जिसको आपका और हमारा सहयोग चाहिए। इसी मुहिम को लेते हुए प्रिय सखी संस्था के द्वारा स्थापना दिवस पर जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल उड़ाए गए। प्रिय सखी संस्था आप सभी को यकीन दिलाती है, आपके साथ से, आपके सहयोग से निरंतर प्रयास करती रहेगी और देश हित में बढ़ चढ़ कर सहयोग करती रहेगी। आज प्रिय सखी संस्था आपके सहयोग से छठवां स्थापना दिवस मना रही है और 105 कन्यादान पूरे कर आज दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहते हैं हमारे मोतियों की माला में जो हम जाप करते हैं 108 मन के होते हैं, तो 108 मन के हमारे पूरे होने वाले हैं। निश्चित ही उस दिन भी हम प्रिय सखी संस्था का उत्सव अवश्य मनाएंगे। और जब हम भारत के नागरिक होके ये बात करते हैं कि हमारा यह अधिकार है, हमारा यह अधिकार है, तो हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के बारे में पूर्ण रूप से सचेत रहना चाहिए। देश के नागरिक का कर्तव्य यही है कि जब वे अपने अधिकारों की बात करता है तो अपने कर्तव्यों की भी बात करें। प्रिय सखी संस्था एक मुट्ठी गेहूं कन्यादान हमारा स्वाभिमान की मुहिम लेके चली और आज 105 कन्यादान इसी संस्था ने आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से पूरे करे। प्रिय सखी संस्था के भामसा आज लखपति करोड़पति पे डिपेंड नहीं है ये संस्था। इस संस्था को दान देने वाला एक रिक्शा चालक भी है, एक छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, सभी लोगों का प्रिय सखी संस्था पर सहयोग रहा है। और प्रिय सखी संस्था जो मुहिम लेके चली है प्रत्येक व्यक्ति को जगाने के लिए कि एक मुट्ठी गेहूं, कई बार जब संस्थाएं काम करती है तो एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि मैं, मेरे पास इतना सा है, उसे शर्म महसूस होती है, मैं ये दान कहाँ दूँ, तो प्रिय सखी संस्था उसी प्रति व्यक्ति को लेकर चलती है जिसकी भावना सहयोग करने की है और उसको साथ लेकर चलती है। चाहे आपके पास एक मुट्ठी गेहूं ही हो तो कदमों में इतनी ताकत होनी चाहिए। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।